हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रीपोजिशन होता क्या है, ये एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। ये मेनली टाइम शो करता है, पोजीशन शो करता है, डायरेक्शन शो करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि अब यहाँ आया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ये मेनली इसके टाइप्स हो गए। टाइम के मेनली प्रीपोजिशंस आ गए एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस। अगर प्लेस की बात आ रही है तो प्रीपोजिशंस आते हैं उसमें एट, ऑन, इन। या मैनर की बात आ रही है किसी भी सेंटेंस में तो आता है विद, बाय, फॉर, अगेंस्ट। अब जैसे कि यहाँ प्रीपोजिशन आता है एट, इन, ऑन का, यानी कि टाइम और प्लेस का प्रीपोजिशन है। एट जो है वो मेनली स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करता है या स्पेसिफिक एड्रेस को इंडिकेट करता है, जैसे कि एट द डेस्क, एट पेज 10, एट दिस प्लेस, एट माई हाउस। इन जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम को शो करता है, कोई भी डे में, मंथ में, सीजन में, ईयर में, या किसी भी लैंड एरियाज में, टाउन्स हो, स्टेट्स हो, कंट्रीज हो, कंटिनेंट्स हो, उसमें इन यूज होता है। लाइक इन द रूम, इन द पिक्चर, इन द रिवर, इन पेरिस, इन द पेपर, इसमें मिलने क्या होगा, इन यूज होगा। देन ऑन जो है वो डेज या डेट्स इंडिकेट करता है और किसी भी स्ट्रीट्स या एवेन्यूज के नेम इंडिकेट करता है, जैसे कि ऑन द डेस्क, ऑन पेज नंबर 10, ऑन द वॉल, ऑन द फॉर्म, ऑन टेलीविजन, ऑन मंडे। देन प्रीपोजिशन ऑफ मैनर लाइक बाय, ऑन, इन, विथ। अब बाय जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स को इंडिकेट करता है, जैसे हम किसके थ्रू जा रहे हैं, वी कैन गो बाय बस। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आ गया तो यहाँ मेनली आ गया किसके द्वारा जा रहे हैं। देन विद है, विद जो है वो मेनली किसी भी मीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स या ट्यूल्स जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए यूज किया गया है। देन इसके अलावा और भी प्रीपोजिशंस है लाइक अगेंस्ट, जो कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर मेनली किसी भी चीज़ के पर्पस के लिए यूज होता है। बाय है, अंदर है, इन, एट, अगेंस्ट, आफ्टर, टुवर्ड्स, इनटू, विद, वाय। तो मेनली ये सब सारे जो प्रीपोजिशंस है वो सेंटेंस को पढ़ के उसके थ्रू लगते हैं, उसको समझ के कि बोल क्या रहा है और इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा।